इंडियन प्रीमियर लीग के बाद टीम इंडिया को अपने ही घर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज खेली है। सीरीज का आगाज 9 जून से होगा। इस दिन पहला मैच दिल्ली में खेला जाएगा। इस मुकाबले से पहले क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी सामने आई है। दरअसल दिल्ली में होने वाला सीरीज का पहला मैच दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में खेला जाएगा। यानी दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने स्टेडियम में 100% फैंस की एंट्री को मंजूरी दे दी है। यह बात DDCA के सूत्रों ने स्पोर्ट्स तक से कहा है। सूत्रों ने कहा है कि हमने 100% फैंस के साथ सीरीज का पहला मैच कराए जाने की पूरी तैयारी कर ली है। इसको लेकर जरूरी सभी चीजों की तैयारियां हो गई है। उम्मीद है कि यह मैच हाउसफुल होगा। पूरे 3 साल बाद कोई इंटरनेशनल मैच की मेजबानी दिल्ली को मिली है। कोरोना महामारी का दौर है, ऐसे में कोविड को लेकर सभी जरूरी तैयारियां भी कर ली गई है। वहीं स्पोर्ट्स तक ने पहले ही बता दिया है कि सीरीज के सभी 5 मैच 100% दर्शक क्षमता के साथ कराए जा सकते हैं। इससे पहले दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर आखिरी इंटरनेशनल मैच 2019 में खेला गया था। तब टीम इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ T20 मैच खेला था, जिसमें भारत को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था।